दोस्तों, घड़ी और उसमें चल रहा समय ना सिर्फ आपके साथ रहने वालों के बारे में बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि आखिर आपका टाइम खराब होने पर आपके साथ कौन है और कौन नहीं। जब ही तो कहते हैं ना बेटे, टाइम टाइम की बात है, मेरा भी टाइम आएगा। लेकिन अगर हम बात करें बॉलीवुड के एक्टरों की, तो बॉलीवुड के एक्टरों के तो घड़ी घड़ी चाल चलन समय बदलते ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा एक्टर कौन सी घड़ी पहनता है और उसकी कीमत कितनी है? नहीं तो चलो जानते हैं यार। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात जरूर बता दें कि आप भी घड़ी घड़ी वीडियो का टाइम मत देखना कि आखिर कितना टाइम बचा है, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी घड़ी का टाइम हो चुका है अब स्टार्ट। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने पठान के बारे में। जी हाँ, पठान मूवी के पठान अपने किंग खान यानी कि शाहरुख खान की घड़ी के बारे में। वैसे हम आपको बता दें कि शाहरुख खान को घड़ियों का बहुत शौक है, जिसके चलते इन्हें कुछ समय पहले एयरपोर्ट पर रोका भी गया था। ये रोलेक्स और पैटेक फिलिप की वॉच के दीवाने हैं। लेकिन अगर हम इनकी वॉच की कलेक्शन में से पैटेक फिलिप एकनॉट क्रोनोग्राफ वॉच की बात करें, तो इसकी कीमत 35 लाख रुपए है। वहीं अगर हम बात करें रियल लाइफ के विलन, जो यहाँ दबंग फिल्म के छेदी सिंह, वही छेदी सिंह जिसे सलमान खान कहते हैं कि हम तुम्हारे अंदर इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले, और अब आगे का तो तुम खुद ही समझ जाओ यार। वैसे आपको समझ आया या नहीं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चलो कोई नहीं, हम किस लिए बैठे हैं हम आपको बता देते हैं कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ के विलन और रियल लाइफ के हीरो सोनू सूद के बारे में। अगर हम इनकी वॉच की बात करें तो इनके कलेक्शन में है हुबलॉट किंग पावरफुल रॉन्टे, और अगर हम इस घड़ी की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है 38 लाख रुपए। आता माझी सटकली, वैसे आपकी तो नहीं सटकी ना इन वॉच की प्राइस सुनकर, सच बोलो यार। क्योंकि अब जो हम जिस अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं, वे कुछ ऐसे ही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंघम बोले तो अजय देवगन की। जी हाँ, पैसे वाले तो वे भी हैं, तो वे भी घड़ी पहनते ही हैं ना, तो क्यों ना उनकी घड़ी के बारे में जान ले कि आखिर वे कितनी महंगी घड़ी पहनते हैं। वहीं अगर हम बात करें उनकी घड़ी की, तो इनके वॉच कलेक्शन में है रोलेक्स डेटोना आइस ब्लू, और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 53 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। क्यों? पहले नहीं तो अब सटक लेना। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने दबंग फिल्म देखी है? अगर देखी है तो कमेंट में यस लिखो यार, अगर नहीं देखी तो देख लो, देखने में क्या जाता है। और जिन्होंने देख लिए उन्हें चुलबुल पांडे के बारे में तो अच्छे से पता होगा, क्योंकि उस रोल को किसी और ने नहीं बल्कि अपने भाईजान सलमान खान ने जो किया है। जहां वही जो मुन्नी बदनाम हुई गाने पर ठुमक ठुमक कर नाचने वाले। वैसे सलमान खान इतना नाचते हैं ऐसा क्यों आपने सोचा है? नहीं पता। वैसे सलमान खान इतना नाचते हैं ऐसा क्यों आपने सोचा है? नहीं पता। तो चलो हम बता देते हैं, क्योंकि इनके पास इन कामों के लिए समय बहुत है। और इनके समय की घड़ी कितने की है ये जानना चाहोगे क्या? अगर हाँ तो चलो हम बताते हैं। अगर हम बात करें सलमान खान की घड़ी की, तो उनके कलेक्शन में है रोलेक्स याक मास्टर 218K, जिसकी कीमत 32 लाख रुपए है। 4.4 mm की है वॉच, बहुत ही प्रीमियम है, और गोल्ड ग्लोजी फिनिश के कारण आपकी आंखें अपनी ओर खींच लेगी, जैसे भाई जान की फिल्म खींच लेती हैं। वेल, आपके पास कौन सी घड़ी है? आप अपनी घड़ी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।